अमृत वेले का योग का तो बड़ा महत्व है भाई जी, इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण वेला कौन सी होती है? श्याम के समय 6 बजे से जैसे सूर्य ढलने लगता है तो प्रकृति में फिर से शांति के वाइब्रेशन हो जाते हैं जी, प्रकृति का भी माहौल बदल जाता है और सब मनुष्य भी अगर अपने को देखें उनका चित्त शांत होने लगता है। और अगर कोई साधक है, योग साधना करता है तो 6-6:30 बजे उसके मन में एक अलौकिक सी फीलिंग होने लगती है। तो मैं से कहूँ तो 6 से 8 के बीच का समय, ये 6:30 से 7:30 का 1 घंटा साधनाओं के लिए वैसा ही है जैसा अमृत वेला होता है। अगर किसी कारण कोई सवेरे मिस करता है तो उसको शाम को अभ्यास करके उसकी भरपाई कर लेनी चाहिए। सुबह और शाम की साधना में भाई जी कोई फर्क है? फर्क तो है, सवेरे का प्रकृति संपूर्ण रूप से शांत होती है, हम सो चुके हैं, हम रेस्ट कर चुके हैं, हमारा मन भी बहुत अच्छी स्थिति में होगा। दिन में ये है कि सारे दिन का इफेक्ट भी किसी के ब्रेन पर माइंड पर हो सकता है, उससे युद्ध करके उसको शांत करना फिर एक अलग चीज़ हो गई। तो सवेरे तो मन नेचुरल शांत है, शाम को हमें उसे शांत करना पड़ सकता है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों का मन अपे शांत हो जाता है जो अपनी दिनचर्या को सुंदर बिताते हैं, जो बड़े सरल चित्त हैं, जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जो चिंताओं से मुक्त रहते हैं, जो बड़े स्वीटली और सुभावनाओं से रहते हैं, तो उनका जो दिन है वो बहुत सुंदर बीतता है। कोई शाम तक वो कोई परेशान हो के घर लौटे हों, कोई टेंशन में घर लौटे हों, वो नहीं होता है। जैसे कार्य किया और बहुत खुशी के साथ अपने परिवार में आ गए, ऐसों को शाम का योग भी बहुत सुखदायी होता है।